शेखावटी जाट वोटों वाला इलाका है, लिहाजा यहाँ की मंडावा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही जाटों को मैदान में उतारा है। पिछली बार के निर्दलीय विधायक नरेंद्र खीचड़ बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं, तो उनके सामने हैं कांग्रेस की रीटा चौधरी। लोगों ने बातचीत में बताया कि जाट वोट नरेंद्र कुमार बीजेपी के उम्मीदवार को ही जाएंगे। शेखावाटी में भी यही बीजेपी का ही रहेगा, आपको लगता है? हाँ, लगता नहीं है, हम देंगे और लाएंगे बीजेपी को। हमारे दोबारा बीजेपी आने वाली है, ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया है और आएगा भी नहीं जिसने गऊ बचाई है। ये वसुंधरा बहुत अच्छी है और समाज के लिए अच्छा काम करती है, सारी दुनिया के लिए, राजस्थान में उनको आनी चाहिए, वो आएगी तो ये फायदा हमारे को। दूसरी तरफ कांग्रेस का समर्थन करने वालों का दावा है कि जाट वोट कांग्रेस को मिलेगा, हालांकि इन दावों के बीच गुंजाइश यही है कि जाट वोट बढ़ जाएगा। शेखावाटी में कांग्रेस ही जीतेगी इस बार, सिर्फ एक सीट पे सस्पेंस चल रहा है खेतड़ी पे, बाकी सब जगह कांग्रेस ही चल रही है आगे। जाट वोट किधर जाएगा इस बार? जाट वोट कांग्रेस को जाएंगे, जाट वोट कांग्रेस में जाएंगे। जाट वोट कहाँ जाएगा? कांग्रेस में जाएंगे, हमारे दोनों जिले में कांग्रेस में जाएंगे। हाँ, दोनों जाटों का वोट है दोनों तरफ, अब किस तरफ ज्यादा गिरेगा वही जीतेगा। सियासत के साथ साथ समाज की बात करें, शेखावटी क्षेत्र का झुंझुनू लड़कों के मुकाबले लड़कियों की सबसे कम संख्या के लिए बदनाम रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता इस सामाजिक बुराई की एक दिलचस्प वजह बताते हैं। यहाँ के लोग सेठों के कारण से बाहर बहुत गए और आर्मी के कारण से, तो यहाँ का एजुकेशन स्तर बढ़ा लोगों का। यहाँ सेठों ने 1950 से पहले स्कूलें खुलवा दी थी, तो बाहर नौकरी करने गए, अकाल खूब पड़ते थे इसलिए भी लोग खूब बाहर गए, तो उससे क्या लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया। हम महिला शिक्षा में राजस्थान में एक नंबर में और फीमेल सेक्स रेशियो में हम सबसे खराब 837। ये वही हमारी पे कैपेसिटी, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड और हमें पढ़े लिखे के ज़्यादा होने के कारण से जो चीज़ कहाँ अवेलेबल है और हम कैसे अबोर्ट करवा सकते हैं, बेटी को इस दुनिया में आने से कैसे रोक सकते हैं, वो हमारे को पता था। ये झुंझुनू वालों को, महिला और पुरुष दोनों को पता था। भ्रूण की जांच से बेटियों को पैदा होने से पहले ही खत्म किया जाने लगा, लेकिन 2001 के आंकड़ों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। कहां तो दीनवा लाटखानी जैसे गांव में इस वजह से लड़के पैदा किए जाते थे कि वो बड़े होकर फौजी बने, वहीं इस गलत सोच के चलते कुंवारों की फौज खड़ी हो गई। कुंवारों की फौज खड़ी हो गई है 1000 की पॉपुलेशन पे, जो मैंने अध्ययन किया था पिछले दिनों में किया था, 1000 की पॉपुलेशन पे 15 से लेके 25 बच्चे ऐसे हैं जो 25 साल से लेके 45 साल तक की एज क्रॉस कर चुके हैं, अनमैरिड हैं, शादी होने की कोई संभावना भी नहीं है। 25 साल के संदीप से बड़े दो भाई और हैं, सबसे बड़ा 30 साल का और उससे छोटा 26 साल का, दोनों की ही शादी अभी नहीं हुई है। संदीप आप कितने साल के हो? 25 साल के। 25 साल के। आपकी फैमिली में आप अकेले हो जो अनमैरिड हैं? नहीं, दो हमारे भाई हैं, एक बहन है। दो भाई हैं, वो भी कुंवारे हैं? हाँ। अभी कितने बड़े हैं आपसे? एक है एक साल बड़ा और दूसरा लगभग 4 साल बड़ा। अकेले लड़की ढूंढ रहे हैं? हाँ। लड़कियाँ कम हैं और लड़के ज्यादा, यही नहीं अब लड़कियां पढ़ाई भी कर रही हैं और वो चाहती हैं कि उनकी शादी किसी सरकारी नौकरी वाले से ही हो। मेरी बस यही चॉइस थी, लड़का गवर्नमेंट जॉब में हो, कि बस आवारागर्दी में गुंडागर्दी में नहीं हो, सही मतलब लाइफ अच्छे से रहे। तो आप पढ़ी लिखी हो? हाँ, BA फाइनल ईयर में हूँ अभी मैं, और फिर अभी जनवरी में शादी कर देंगे, इसलिए मम्मी ने। काफ़ी सारे लड़के रिजेक्ट किए? हाँ, 3 जगह। 3 लड़के रिजेक्ट किए तुमने? क्यों? क्योंकि वो ऐसे गवर्नमेंट जॉब में तो थे पर सही लाइन में नहीं थे, इसलिए। हालांकि अब हालात बेहतर हो रहे हैं, लोग अब लड़कों और लड़कियों में भेदभाव नहीं करते, लड़कों और लड़कियों की संख्या करीब करीब बराबर होती दिख रही है। जो आपके यहाँ पर लड़कियाँ और लड़के बिल्कुल सेम है, 87 बॉयज 87 गर्ल्स हैं? हाँ, इक्वल है, अभी बराबर है। अभी बराबर है। और पहले से क्या जो लड़कियाँ आती हैं पहले से बड़ी हैं जो स्कूल में आती हैं? हाँ, अब स्थिति बेहतर हुई है, पहले से
छात्राएं हैं वो ज़्यादा आ रही हैं पढ़ने के लिए। गांव में ऐसी कोई छात्राएं नहीं है जो घर पे बैठी हूँ, सभी पढ़ाई के लिए आ रही हैं। अब भले ही लड़कियों की संख्या बढ़ रही हो लेकिन कई दशकों की भूल के चलते हालात अब भी कई मायने में विचित्र हैं।